इस सेशन के अंदर हम अपनी फर्स्ट एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट करेंगे और इस डेटाबेस में बेसिकली हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, जिसमें हम कुछ फार्मूलास को भी बेसिकली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ होम के टैब से कुछ बेसिक टूल्स को भी यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट के सेल A1 पर अपनी कंपनी का नाम टाइप करता हूँ। लेट सपोज वॉल स्ट्रीट पाकिस्तान एंड देन एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, मेडिकल, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, टैक्स, ईओबीआई, टेक होम। ठीक है, ये कुछ सिंपल फील्ड्स बेसिकली मैंने यहां पर यूज की। अब साथ साथ हम चीजों को भी बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिससे हम अपनी शीट के अंदर एक बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हेडिंग्स आ रही हैं, इसमें किसी कॉलम की साइज ज्यादा है, किसी की साइज जो है वो कम है। तो हम अगर तमाम कॉलम की साइज को ऑटो फिट करना चाहते हैं, तो एक तरीका मैं सिंपल ये कि आप तमाम कॉलम की रेंज बना लें जहां तक आपका टेक्स्ट है, एंड देन किसी भी एक कॉलम पे बीच में अपने माउस के पॉइंटर को रखें एंड देन डबल क्लिक करें, आपके तमाम कॉलम की साइज ऑटो फिट हो जाएगी। यानी जितना स्पेस उसे रिक्वायर्ड है उतना स्पेस उसके पास आ गया, रेस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेसेस उसके खत्म हो गए। और अगर उसके पास स्पेसेस कम थे तो एक्स्ट्रा स्पेसेस भी डेफिनेटली उसे मिल गए, ताकि डाटा जो है वो विजिबल हो सके। दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ द अनदर वे, आप अपने तमाम हेडिंग्स की रेंज बना लें। अब हेडिंग की रेंज बनाने के दो तरीके, एक तो ये कि शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करें, आप स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉलम्स की रेंज बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ प्रेस करके रखें और राइट एरो की आप प्रेस करें, तो तमाम जो टेक्स हैं कॉलम्स के अंदर उन तमाम की रेंज हो जाएगी। देन उसके बाद आप फॉर्मेट के होम के टैब के अंदर फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे, तो तमाम कॉलम की विड्थ एक्चुअल में उतनी होगी जितनी उसे स्पेसेस रिक्वायर्ड थे। देन हम एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी हमारी स्टार्ट होती है 101 से, और मैंने आपको पहले भी इसका तरीका बताया था कि आप कंट्रोल के साथ जब इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास ऑटो नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। तो मैंने यहाँ पर 110 तक एम्प्लॉयज जो है वो बेसिकली टाइप कर लिया। तमाम आईडीज डिफाइन करने के बाद अब एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हमें देना है। तो हम फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मैं रैंडम कुछ लोगों के नाम टाइप कर देता हूं, तमाम एम्प्लॉय के नाम टाइप करने के बाद फिलहाल मुझे मिडिल नेम और लास्ट नेम की नीड नहीं है, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को रेंज में ले रहा हूँ। राइट क्लिक और इन कॉलम्स को मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने से ये दोनों कॉलम्स टेम्परेरी तौर पर स्क्रीन से गायब हो गए हैं। इन्हें वापस अगर आप जब भी लाना चाहें, बी और ई कॉलम की मैं रेंज बनाता हूँ क्योंकि बीच में सी और डी कॉलम भी है। हमने कॉलम पे राइट क्लिक किया एंड देन अनहाइड किया, ये कॉलम हमारे पास अनहाइड हो गए। सो अगेन हम कॉलम को रेंज में लेकर फिलहाल हम इन्हें हाइड कर देते हैं। डिपार्टमेंट के नामों को लिखने के लिए एक अच्छा सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। तमाम डिपार्टमेंट के कॉलम की सेल्स की रेंज बना लेते हैं एंड देन उसके बाद हम डाटा के टैब में आते हैं और यहाँ से हम डाटा वैलिडेशन के अंदर जाकर डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को चूज करते हैं। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद हमारे पास डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग का एक टैब है।
यहां से हम वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ करते हैं और अलाउ में से हम लेते हैं लिस्ट को, और इस लिस्ट के अंदर जो सोर्स हम डिफाइन करते हैं, लेट सपोज मुझे अपने डिपार्टमेंट के नाम डिफाइन करने, तो मैं यहाँ पर एक फर्स्ट डिपार्टमेंट देता हूँ, HR, IT, एडमिन एंड अकाउंट्स। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल किया एंड देन फाइनली क्लिक किया ओके। अब इससे फायदा ये हुआ कि जितने सेल्स पर मैंने रेंज बनाई थी उन तमाम सेल्स पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेरे पास आ गया, जिसकी मदद लेते हुए मैं जस्ट डिपार्टमेंट के नामों को सिलेक्ट करता हूँ और वो डिपार्टमेंट के नाम इस सेल के ऊपर प्लेस हो जाते हैं। अगर मैं इन डिपार्टमेंट्स के अलावा कोई और डिपार्टमेंट यहाँ टाइप करना चाहूँ, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पर फाइनेंस का डिपार्टमेंट टाइप करता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ, तो आप देखिए कि मुझे डाटा वैलिडेशन बेसिकली एक वार्निंग दे रहा है और कहता है कि द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैव रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट यू कैन एंटर इनटू दिस सेल। यानी आपको बेसिकली डाटा वैलिडेशन के जरिए रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, आप इस सेल के ऊपर कोई और डिपार्टमेंट या कोई और टैक्स जो है वो टाइप नहीं कर सकते। अब ये जो अंडरस्टैंडेबल मैसेज है, लेट सपोज मैं इसको और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मुझसे कह क्या रहा है, तो ऐसा करने के लिए अगेन मैंने तमाम सेल्स को रेंज में लिया, हम डाटा वैलिडेशन के अंदर आते हैं और अब की बार हम एरर अलर्ट पे जाते हैं। एरर अलर्ट की जो स्टाइल टाइप है इस वक्त वो स्टॉप है, यानी वो किसी भी सूरत के अंदर हमारे रॉन्ग टेक्स्ट को ऐड होने की परमिशन नहीं देगा, और हम टाइटल के अंदर कहते हैं लेट सपोज इरफान बकाली सेज प्लीज सेलेक्ट अ प्रॉपर वैल्यू। एंड देन ओके, अब मैं यहां पर अगर फाइनेंस लिखता हूं और इंटर करता हूं, तो आप देखिए मैसेज आ रहा है इरफान बकाली सेज प्लीज सेलेक्ट अ प्रॉपर वैल्यू, और जब मैं कैंसिल करूंगा तो टैक्स यहां से बाहर आ जाएगा, और जब मैं रीएंट्री करूंगा तो मुझे दोबारा से लिखने की परमिशन होगी। तो फिलहाल मैं ड्रॉप डाउन के जरिए तमाम डिपार्टमेंट्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ।